अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता को लेकर जो अपवाद चंद बदरदाई के पृथ्वीराज रासो से प्रारंभ हुआ, उसकी बिना छानबीन किए ही महाराज जयचंद्र को गद्दार कहना उचित नहीं है। किसी भी इतिहासकार ने महाराज जयचंद की संयोगिता नाम की किसी पुत्री का उल्लेख नहीं किया है। भविष्य पुराण में यह संकेत है कि सम्राट जयचंद्र की 16 रानियों में से एक महेशी दिव्य विभावरी गौड़ राजा की पुत्री थी। उसकी दासी सुरभानवी की पुत्री का नाम संयोगिनी था। जब संयोगिनी 12 वर्ष की हुई तब महाराज जयचंद्र ने उसके स्वयंवर में विभिन्न राजाओं को बुलाया, परंतु पृथ्वीराज को न बुलाकर उनकी स्वर्ण निर्मित प्रतिमा कान्यकुब्ज की सभा में स्थापित करवा दी। महाराज पृथ्वीराज चौहान भी सेना लेकर वहां आए और संयोगिनी यानी संयोगिता का अपहरण कर अपनी राजधानी लौट गए। इस कथा का अनुमोदन पृथ्वीराज रासो भी करता है। महाकवि चंदबरदाई ने महाराज जयचंद्र के द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ और उसी अवसर पर आयोजित संयोगिता स्वयंवर का वर्णन किया है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है, जिस समय महाराज जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान का शासन था, क्या उस समय राजसूय यज्ञ या स्वयंवर की प्रथा थी? किसी भी प्रबुद्ध इतिहासकार ने इस कथा को सत्य स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकरण की ऐतिहासिक तथ्य से रहित केवल एक कहानी मानते हुए इतिहासकार डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी लिखते हैं, यदि थोड़ी देर के लिए स्वीकार भी कर लिया जाए तो क्या उस समय के भारतीय नरेश जयचंद्र की दासी कन्या से विवाह करने के लिए सहमत थे? राज्य को लेकर महाराज जयचंद्र और महाराज पृथ्वीराज चौहान में विवाद हो सकता है, किंतु क्या पृथ्वीराज चौहान एक दासी पुत्री से विवाह कर लेते? गहरवार राजवंश का इतिहास लिखने वाले डॉक्टर रोमा नियोगी का भी यही मत है। डॉक्टर नियोगी के अनुसार जयचंद्र और पृथ्वीराज में बैर भाव होने का कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है। महाराज जयचंद्र विषयक जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हैं उनमें उन्हें देशद्रोही या गद्दार होने के कोई प्रमाण नहीं मिलते। आधुनिक काल के J.H. गैंसे, जॉन बिग्स, डॉक्टर राम कुमार दीक्षित, कृष्णदत्त वाजपेयी, डॉक्टर R.C. मजूमदार, डॉक्टर रोमा नियोगी, J.S. J.C. पावेल प्राइस, डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी, विसेंट ए स्मिथ, डॉक्टर आनंद स्वरूप मिश्र, डॉक्टर आनंद शर्मा जैसे इतिहासकारों ने महाराज जयचंद्र को निष्कलंक स्वीकार किया है। आनंद शर्मा ने महाराज जयचंद्र को निष्कलंकता के संदर्भ में लिखा है, इस आधारहीन प्रवाद का उद्गम खोजना मेरे लिए आवश्यक हो गया था। मैं यह जानकर हतप्रभ रह गया कि यह सारा बितड़ावाद पृथ्वीराज के आश्रित चारण चंदबरदाई रचित पृथ्वीराज रासो ने फैलाया था। इस चारणी काव्य ने चंदबरदाई ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में जमीन आसमान मिला दिए थे। उसने ही काल्पनिक संयोगिता का सृजन करके उसे दोनों नरेशों की शत्रुता का कारण ही नहीं बनाया। तरायन युद्ध में मारे गए पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाने और उसे अंधा करके आंखों में नींबू मिर्च डलवाने और अंधे पृथ्वीराज के शब्द भेड़ी बांध के द्वारा गौरी के मारे जाने तक का उल्लेख कर डाला था। जबकि गौरी तरायन युद्ध के लगभग 10 वर्ष बाद सन 1205 से 1206 में झेलम जिले, जो अब पाकिस्तान में है, के समीप शत्रु कबीले द्वारा सोते समय घात लगाकर किए गए हमले में मारा गया था। स्मिथ ने भी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यही लिखा था, इतिहास के सभी विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। इस पर भी इतिहास धरा रह गया। रासो की कथा जन जन में प्रचारित हो गई। एक धर्मपरायण राजा देशद्रोही के रूप में सामान्य जन की गणना का पात्र बन गया। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक करने के लिए देखते रहिए शौर्य गाथा आरंभ नए युग का।